हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका। आज जो रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ वो बहुत ही मज़ेदार और यूनिक रेसिपी है। हम बनाएंगे एक वेज रेसिपी, लेकिन मज़ा होगा एक नॉन वेज रेसिपी का। यकीन मानिए, आप खाकर बता ही नहीं पाएंगे कि जिस चीज़ को हमने इसमें यूज़ किया है उससे हम इतनी मज़ेदार रेसिपी भी बना सकते हैं। तो हम बनाने वाले हैं आज सोया कीमा पाव, जो खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो आप भी इसको एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना। सोया कीमा बनाने के लिए हमने लिया है यहाँ पे 1.5 कप सोया नगेट्स। तो आप चाहे तो सोया ग्रैनुल्स का यूज़ भी कर सकते हैं, मार्केट में इजीली मिल जाते हैं। इसको हम अच्छे से वॉश कर लेंगे 3 से 4 बार, और उसके बाद हम इसके कुक करेंगे। तो इसको वॉश करके कुक करना बहुत ज़रूरी है। इसमें कई बार थोड़ा सा कड़वाहट आ जाती है या थोड़ा सा अलग टेस्ट आता है, तो उसको हटाने के लिए हमको ये स्टेप ज़रूर फॉलो करने हैं। तो इसको अब हम पकने रख देंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी और ऐड कर देती हूँ, और इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा नमक, ताकि जो हमारे सोया चंक्स है अच्छे से नमक को एब्जॉर्ब कर लें, तो इसका टेस्ट और अच्छा आएगा। तो इसको मिक्स करके 5 से 6 मिनट पकने देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमारे जो सोया नगेट्स है ये कुक हो चुके हैं, बिल्कुल अच्छी तरीके से गल गए हैं। तो अब हम इसको इसमें से निकाल लेंगे और अच्छी तरह से ठंडा करके वॉश करेंगे। तो मैं इसको निकाल रही हूँ एक बाउल में। तो ये देखिए, सोया चंक्स मैंने निकाल लिए हैं। इसमें ऐड कर देते हैं थोड़ा सा पानी, और इसको 1 से 2 बार अच्छे से और वॉश कर लेंगे, ताकि इसमें अगर कुछ भी रह गया होगा तो वो निकल जाएगा। अब हम इसको निचोड़ कर निकाल लेते हैं एक प्लेट में, और उसके बाद हम इसको अच्छे से पीस के इसका कीमा बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, अच्छे से मैंने सारे निकाल चुकी हूँ, और अब हम इसको डाल देते हैं मिक्सर ग्राइंडर में, और इसका हम बनाएंगे कीमा। तो आपको सिर्फ 1 या 2 बार चलाने की ज़रूरत पड़ेगी, ये इतने सॉफ्ट हैं कि एकदम से ये पीस जाएंगे। तो मैंने ये जार में डाल के लिड लगा दी है, और अब मैं इसको पीस लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इसको अच्छे से पीस लिया है, और आप देख सकते हैं कितना बारीक महीन एकदम कीमा बना है इसका। तो इसको हम रख देते हैं साइड में, और इसका मसाला तैयार करते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऑयल गरम करने रख दिया था कढ़ाई में। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून बटर, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब डालते हैं थोड़े से खड़े मसाले। तो मैंने लौंग, काली मिर्च, 2 बड़ी इलायची, 2 से 3 छोटी इलायची, साथ ही में डालेंगे 1 तेज़पत्ता, और इसको अब हम थोड़ा सा सॉटे कर लेते हैं ताकि फ्लेवर्स आ जाए मसाले के। अब डाल देते हैं इसमें कटा हुआ प्याज। तो 2 से 3 मैंने मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, और इसको अच्छे से हमें भूनना है, अच्छे से ब्राउन कलर कर देना है। तो इसको आप लगातार चलाते रहिए ताकि सारा प्याज इवनली पके, ये नहीं कि आधा ब्राउन हो जाए आधा कच्चा रह जाए। तो इसको चलाते रहिएगा। यहाँ पे देखिए, प्याज का कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। इसको अभी हमें और कुक करना है। तो यहाँ पे प्याज हमारा अच्छी तरह से ब्राउन हो चुका है। इसमें ऐड कर देते हैं हम टमाटर। तो मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके हमें गलाना है। अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा नमक, ताकि जो हमारे टमाटर हैं वो जल्दी से कुक हो जाएं। नमक डाल के इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसके बाद इसमें लेड लगा के इसको हम कुक होने देते हैं। तो 2 से 3 मिनट के बाद हम चेक करेंगे, आप देखेंगे टमाटर गलने शुरू हो चुके हैं। तो इसको थोड़ा सा हम और पकाएंगे। यहाँ पे देखिए, ऑयल भी सेपरेट होने लग गया है मसाले से। तो यहाँ पे हम थोड़े मसाले ऐड करते हैं। तो 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर डाला है, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर डाला है, साथ ही में डाला है 1/2 टेबल स्पून मैंने किचन किंग मसाला। अब हम इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे। नमक नहीं डाला है मैंने, क्योंकि नमक मैंने टमाटर में पहले ही डाल दिया था। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं, ताकि टमाटर और इजीली गल जाए, और ये मसाला हमारा नीचे भी ना लगे। तो इसको मिक्स कर लेते हैं एक बार, और इसको अब हम कवर करके कुक होने देंगे थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पे लेड लगा लेते हैं, और इसको कुक होने देते हैं। बीच बीच में हम इसको चेक करते रहेंगे। आप देख सकते हैं काफ़ी मसाला हमारा सूख चुका है, और ऑयल भी इसमें से सेपरेट होने लग गया है। तो यहाँ पे मैं डाल देती हूँ थोड़े से जिंजर जूलियंस जो मैंने कट करके रखे थे, और साथ ही 1 हरी मिर्च। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अदरक और हरी मिर्च का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। इसमें अब हम डाल देंगे जो हमने सोया का कीमा बना के रखा था, इसको हम ऐड कर देते हैं, और इसको अच्छी तरीके से हम मसाले के साथ भून लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए।
तो इसको अच्छी तरह से भूनना बहुत ज़रूरी है, मसाला अच्छी तरीके से कीमा के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, तब तक हम इसको भून लेंगे। आप देख सकते हैं अच्छी तरह से सूख चुका है। और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं पानी। तो हमको इसको बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं बनाना है और बहुत ज़्यादा ग्रेवी वाला नहीं बनाना है, क्योंकि हम पानी इसमें ऐड करेंगे तो ग्रैन्यूल्स जो है उसको एब्जॉर्ब करते रहेंगे। तो हम इसको कवर करके रख देते हैं पकने के लिए। थोड़ी देर में हम इसको चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं ऑयल हमारा सेपरेट होकर ऊपर आ रहा है। यहाँ पे मैंने डाले हैं हरे धनिए के जो डंठल होते हैं, जिन्हें हम ज़्यादातर फेंक देते हैं, लेकिन आप यकीन मानिए इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो मैंने इसे बारीक चॉप करके डाला था। लास्ट में हम डालेंगे इसमें 1/2 टीस्पून गरम मसाला, साथ ही डाल देंगे थोड़े से जिंजर जूनियंस, 2 हरी मिर्चें, और मैं यहाँ पे थोड़ा सा बटर और ऐड कर रही हूँ। साथ ही में डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया और इसको एक अच्छा सा मिक्स दे देते हैं। और ये देखिए हमारा जो कीमा है बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है और ये सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो इसके साथ सर्व करने के लिए हम सेकेंगे पाव। तो मैंने यहाँ पे एक पैन चढ़ा दिया है, इसमें डाला है थोड़ा सा बटर, इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा डालेंगे धनिया पाउडर, थोड़ा सा डालेंगे नमक और थोड़ा सा हरा धनिया, और इसको फटाफट से एक बार मिक्स कर लेंगे। और जो हमारे पाव है वो हम इसमें सेक लेंगे, तो पाव में बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आता है। और इसको हम थोड़ा सा अच्छे से कुरकुरा होने तक सेक लेंगे दोनों तरफ से इसमें, और उसके बाद हम अपनी प्लेटिंग करेंगे। तो चलिए सर्व कर लेते हैं अपना कीमा पाव। तो यहाँ पे मैं प्लेट में डाल रही हूँ कीमा, और आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। ज़्यादा ड्राई होगा तो ये खाने में मज़ेदार नहीं लगेगा। इसमें मैंने डाला है थोड़ा जिंजर जूलियन, थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्च और बटर। साथ ही मैं रख रही हूँ जो मैंने पाव सेके थे, और इसके साथ ही रखेंगे थोड़ा सा कच्चा प्याज। इसके साथ खाने में बहुत ही यम्मी लगता है। तो हमारी कीमा पाव रेसिपी बनके हो गई है तैयार। कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करना। मैं मिलती रहूँगी ऐसी और रेसिपीज़ के साथ। अब तक बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।